दोस्तों, अगर अभी तक आपने गुल्ली बुल्ली और एलियंस का पार्ट 1 नहीं देखा तो सबसे पहले जाके उसे देख ले, वरना ये वीडियो आपको पूरी तरह समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में हमने देखा था गुल्ली बुल्ली शॉन बाबा और रॉड डांस करने में बिजी थे, तभी वहाँ एक UFO आकर शॉन को अपने अंदर खींच लेता है। बाबा शॉन को बहुत बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाबा की शक्तियाँ UFO पे काम नहीं करती। UFO में बैठे एलियंस बाबा को मार देते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं। जब बाबा को होश आता है तो गुल्ली बुल्ली बाबा और रॉड जादुई गोले से शॉन का पता लगाने बादल पर बैठकर बाबा के घर पर जाने लगते हैं। बाबा मंत्र पढ़कर शॉन का पता लगाते हैं। उन्हें दिखता है कि एलियंस शॉन को लेकर दूसरे ग्रह पर गए हैं और उसकी बलि देने जा रहे हैं। बाबा कहते हैं हमें कैसे भी कर शॉन को बचाना होगा। और अब आगे बाबा कहते हैं हमें कैसे भी कर उस प्लेनेट पर जाना होगा और वहां जाकर शॉन को बचाना होगा। तभी रॉड कहता है लेकिन बाबा हम उस प्लेनेट पर जाएंगे कैसे, हमारे पास तो कोई UFO है ही नहीं। बाबा कहते हैं मैं अपनी जादुई शक्तियों से यहाँ UFO बुलवा देता हूँ। और फिर बाबा अपनी जादुई शक्तियों से वहाँ UFO बुलवाते हैं। चलो सभी लोग UFO में बैठ जाओ। गुल्ली बुल्ली बाबा और रॉड UFO में बैठते हैं और बाबा UFO लेकर एलियन के प्लेनेट की तरफ जाने लगते हैं। बाबा वो देखिए, वो रहा उस एलियन का प्लेनेट। ये देखकर बाबा UFO की स्पीड बढ़ाकर तेजी से उस प्लेनेट की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन इन लोगों को पता नहीं है उस प्लेनेट की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर करता है। वो लोग जैसे ही उस प्लेनेट के पास आते हैं, अचानक से वो मॉन्स्टर उनके UFO के सामने आ जाता है। सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। बाबा कहते हैं लगता है उस एलियन ने अपने प्लेनेट की सुरक्षा के लिए इस मॉन्स्टर को रखा है। मुझे कैसे भी कर इस मॉन्स्टर को मारना होगा ताकि हम लोग जल्दी से उस प्लेनेट पर जा पाए। बाबा UFO से बाहर आते हैं और मॉन्स्टर से कहते हैं ओ मॉन्स्टर हट जा हमारे रास्ते से, वरना मैं तुझे बहुत मारूंगा। मॉन्स्टर कहता है इतनी हिम्मत है तो मुझे हाथ लगा कर दिखा। बाबा उस मॉन्स्टर को अपने लेजर से जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर बाबा के हमले से बच जाता है। बाबा को बहुत गुस्सा आ रहा है। बाबा दौड़कर मॉन्स्टर के पास जाने लगते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर बाबा को मार देता है। मॉन्स्टर ने तो बाबा को मार दिया है, अब हमारा क्या होगा। लेकिन तभी बाबा होश में आ जाते हैं। बाबा बहुत गुस्से में लग रहे हैं। बाबा एक्सट्रीम मोड में आ जाते हैं। एक्सट्रीम मोड में आते ही बाबा प्लेनेट चलाकर मॉन्स्टर को मारते हैं, जिससे वो मॉन्स्टर बहुत दूर चला जाता है। मॉन्स्टर को मारकर बाबा वापस से UFO में आते हैं और सभी लोग उस प्लेनेट की तरफ जाने लगते हैं। गुल्ली बुल्ली बाबा और रॉड UFO से उस प्लेनेट पर आते हैं। गुल्ली कहता है बाबा वो देखिए, वो रहा उस एलियन का घर। बाबा UFO को उस घर के पास लाते हैं। बाबा गुल्ली बुल्ली और रॉड से कहते हैं मैं नीचे जाकर शॉन को उस एलियन से छुड़वा कर लाता हूँ। रॉड कहता है लेकिन बाबा ये काम बहुत जोखिम भरा है, अगर आप अकेले जाएंगे तो आपकी जान भी जा सकती है, इसीलिए मैं भी आपके साथ चलता हूँ। हाँ बाबा, रॉड बिल्कुल सही कह रहा है, मैं तुम लोगों की जान जोखिम में नहीं डाल सकता। अगर मैं वापस लौट कर नहीं आ पाया तो तुम लोग इस UFO को लेकर वापस धरती की तरफ लौट जाना। ठीक है बाबा, जैसा आप कहे। बाबा UFO से नीचे उतरते हैं। बाबा को जल्दी शॉन को एलियन से छुड़वा कर UFO में वापस आना होगा ताकि ये लोग यहाँ से जल्दी धरती पर वापस लौट पाए। बाबा उस घर के अंदर जाते हैं। थोड़ी ही देर में बाबा को दिखता है ऊपर वाले कमरे में बहुत सारे एलियंस भरे हुए हैं और वहाँ पे उन एलियंस का बॉस भी है। उन्होंने शॉन को एक रस्सी में बांधा हुआ है और एलियन का बॉस शॉन की बलि देने जा रहा है। तभी बाबा कहते हैं रुक जाओ। सभी एलियंस पीछे मुड़कर देखते हैं। बाबा कहते हैं अगर तुमने शॉन को कुछ भी किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एलियन का बॉस कहता है इतनी मजाल, तू मेरे ही ग्रह पर आकर मुझे धमकी दे रहा है। सभी लोग इस जोकर को पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। सभी एलियंस बाबा की तरफ बढ़ने लगते हैं। बाबा एक एक कर सारे एलियंस को मार देते हैं। बाबा कहते हैं देख लिया ना, अब जल्दी से शॉन को वापस कर दो वरना तुम्हारा भी हाल इन्हीं जैसा होगा। एलियन का बॉस बाबा का कोई जवाब नहीं देता। लगता है मेरा एक्शन देखकर इसका फ्यूज उड़ चुका है।
मैं ही जाकर शॉन को लेकर आता हूँ। बाबा शॉन की तरफ बढ़ने लगते हैं। अभी एलियन का बॉस कहता है, तुम मुझे बहुत पसंद आए, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी शक्तियाँ मुझे दे दो, मैं शॉन को तुम्हें वापस कर दूंगा। बाबा कहते हैं, हरगिज़ नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, रुक जा मैं तुझे अपनी लेजर से जलाता हूँ। बाबा अपनी लेजर से एलियन पे हमला करते हैं, लेकिन बाबा के लेजर का असर एलियन पे नहीं हो रहा। बाबा ये देखकर बहुत डर जाते हैं। अभी वो एलियन अपनी जादुई शक्तियों से बाबा को एक गोले में कैद कर देता है। मैं तेरी सारी शक्तियाँ अपने अंदर ले लूंगा। तभी उसे गिल्ली बुल्ली और रॉड का UFO दिखाई देता है। वो अपने तलवार से गिल्ली बुल्ली और रॉड के UFO पे हमला करता है, लेकिन UFO को कुछ नहीं होता क्योंकि ये UFO बहुत स्ट्रांग है। गुल्ली बुल्ली और रॉड को समझ में आ गया है कि उनके ऊपर हमला हुआ है। रॉड गुल्ली और बुल्ली से कहता है, लगता है बाबा पकड़े गए, हमें यहाँ से वापस लौटना होगा। गुल्ली कहता है, लेकिन रॉड अगर हम लोग बाबा और शॉन को अकेला छोड़ दे तो वो एलियन उन्हें मार देंगे, और अगर हम लोग यहाँ रुके तो हम लोग भी पकड़े जाएंगे, इसीलिए वापस चलते हैं। ठीक है रॉड। रॉड UFO के ड्राइविंग सीट पर आकर बैठता है और UFO को वापस धरती की तरफ ले जाने लगता है। इधर एलियन का बॉस सारी चीजें देख रहा था। उसने अपनी तलवार की शक्तियों से सारे एलियन को दोबारा जिंदा किया और कहा, जाकर उस UFO को पकड़ो, लगता है उसमें अभी भी कई लोग हैं। सभी एलियंस UFO में बैठकर गुल्ली बुल्ली और रॉड का पीछा करने लगते हैं। देखता है काफी सारे UFOs उनका पीछा कर रहे हैं। रॉड UFO को और तेज भगाओ, वरना हम लोग पकड़े जाएंगे। रॉड UFO की स्पीड बढ़ा देता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि एलियंस अपने UFO से उनके काफी करीब आ गए थे। वो लोग गुल्ली बुल्ली और रॉड के UFO के सामने आ जाते हैं। गुल्ली बुल्ली और रॉड ये देखकर बहुत डर जाते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सभी लोग मारे जाएंगे या फिर बाबा कुछ ना कुछ कर सभी को बचा लेंगे? अगर आपको जानना है तो आपको देखना होगा पार्ट 3। देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे सेट कर दे।